और अब बात आपके आर्थिक फायदे की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। सितंबर से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर रसोई से जुड़े आपके बजट और शेयर में आपके निवेश तक पर पड़ेगा। इन बदलावों में सबसे अहम निजी क्षेत्र के नौकरी पेशा यानी कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की आर्थिक सेहत पर पड़ने वाला है। और 1 सितंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रेंट फ्री अकोमोडेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें रेंट फ्री होम का वैल्यूएशन करने के लिए सीबीडीटी ने असेसमेंट की सीमा कम कर दी है। इस बदलाव से दो बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिनमें पहला सवाल यह है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है, और दूसरा सवाल यह है कि एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाले रेंट फ्री होम में रहने वाले कर्मचारियों की ज्यादा बचत कैसे होगी। जो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है तो इनकम टैक्स में उसको हम एक परकजिट मानते हैं और उसकी एक वैल्यू को टैक्स किया जाता है, और बहुत पुरानी समय से इसके ऊपर परकजिट माना जा रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो पहले ही रूल था कि जो लाइसेंस फीस सरकार फिक्स करती है उसके लिए वो परकजिट माना जाता है, और जो रेंट उनसे रिकवर करती है टू दैट एक्सटेंट उसकी छूट मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयर के केस में और जो एम्प्लॉयज होते थे उनकी एक पॉपुलेशन जो सिटी में जब वो काम करते हैं जहाँ की वो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलती है उसके बेसिस पे एक कैलकुलेशन की जाती थी, तो पहले 15% सैलरी पे की एक्स्ट्रा सैलरी को रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट माना जाता था, और जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, जैसे कुछ दिल्ली में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर में और उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीने की है तो 15% 15,000 रुपए पर मंथ उसकी अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन है तो मानी जाती थी। इसी तरह से दिल्ली से बाहर छोटे शहर थे जो 10 लाख से पॉपुलेशन की 10% मानते थे तो उसमें 1 लाख वाले का 10,000 माना जाता था, और जो और शहर थे छोटे जो 10 लाख से कम की पॉपुलेशन वाले थे उनके केस में उस समय 7.5% माना जाता था, यानी कि 7,500 रुपए पर मंथ अगर 1 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ की है। तो उसमें अब सरकार ने एक छूट दे दी है कि एक तो ये स्लैब जो था पॉपुलेशन का वो 25 लाख की जगह 40 लाख कर दिया गया, और जो दूसरे स्लैब को 10 लाख का था उसको 15 लाख कर दिया, तो 3 स्लैब हो गए 40 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा और 15 लाख से कम वाले उसमें। तो 1 सितंबर से प्राइवेट कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहने वाले प्रोफेशनल्स को ही सिर्फ फायदा नहीं होगा, बल्कि एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी या फिर पीएनजी यानी कि पाइप के जरिए किचन में पहुंचने वाली गैस का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। दरअसल देश में मौजूद ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं, और इस बार तो केंद्र सरकार ने ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। दो दिन पहले ही मोदी सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। हालांकि एक दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस के दाम कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तेल कंपनियों पर आम लोगों की नजर टिकी हुई है और उनकी तरफ से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर किसी तरह का बदलाव आपकी या फिर हमारी जेब यानी कि आम आदमी की जेब का खर्च को बढ़ाना हो सकता है या फिर घटाना भी हो सकता है, यानी कि आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है या फिर हम कहें कि पहले से बेहतर हो सकता है। इसके अलावा तेल कंपनियों की तरफ से सितंबर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की तरह सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जैसा कि हमेशा होता है। हर महीने की पहली तारीख को एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव की संभावना होती है। आम बोलचाल की भाषा में एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हवाई विमानों के परिचालन के लिए किया जाता है। अगर एटीएफ की दरों में कमी आती है तो फिर कई एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर्स के किराए में भी कमी की संभावना बढ़ जाती है, एविएशन सेक्टर को जिसका फायदा सीधे तौर पर हो जाता है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस को 40-45% खर्च सिर्फ एविएशन टर्बाइन फ्यूल की खरीद पर ही होता है। ऐसे में अगर उसकी कीमतें कम होंगी तो एविएशन कंपनियां पैसेंजर किराए में कटौती करेंगी। एयर टिकट सस्ते होंगे तो यात्रियों की संख्या और कार्गो में इजाफा हो जाएगा, यानी एविएशन सेक्टर की सेहत में भी सुधार हो जाएगा। 1 सितंबर से आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ बंद होने के बाद से शेयर बाजारों में कंपनी के स्टॉक्स की लिस्टिंग होने की समय सीमा घटाकर आधी यानी कि 3 दिन कर दी थी। अब तक यानी 31 अगस्त तक इसकी डेडलाइन 6 दिनों की थी। 28 जून की बैठक में ही सेबी ने T+3 नियम को लागू करने की मंजूरी दी है,
1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना होगा।